हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th में लेसन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं। आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। पिछले वाले टॉपिक में अपन ने बात किया था कि किस तरह से लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है, तो आज की क्लास में अपन इनका वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, मुख्यतः लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक है रासायनिक दृष्टि से। कौन सा? रासायनिक दृष्टि से। रासायनिक दृष्टि से कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की मृदाएं होती है। कौन कौन सी? लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं और लवणीय क्षारीय मृदाएं। रासायनिक दृष्टि से लवण प्रभावित मृदाएं तीन प्रकार की होती है, लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, लवणीय और क्षारीय मृदाएं। क्लियर? दूसरा अपना आधार है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र। कहां पर है ये? करनाल हरियाणा के अनुसार कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक होगी लवणीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं? लवणीय मृदाएं। और दूसरी होगी अपने पास में क्षारीय मृदाएं। कौन सी होगी? क्षारीय मृदाएं। क्लियर? तो अपने पास में दो आधार हो गए वर्गीकरण के। पहला है रासायनिक दृष्टि से तीन प्रकार की, लवणीय क्षारीय लवणीय क्षारीय। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार कितने प्रकार की? दो प्रकार की, लवणीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं। अब इनके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे कि क्या होती है लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, लवणीय और क्षारीय मृदाएं। तो सबसे पहले इन मृदाओं का अलग अलग वैज्ञानिकों ने नाम दिए, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, देखो सबसे पहले बात करें अपन लवणीय और क्षारीय मृदा की, क्योंकि ये दोनों, ये जो तीसरी वाली मृदा है, इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो मेनली अपन किसकी बात करेंगे? लवणीय और क्षारीय मृदा की। तो दो वैज्ञानिक हुए, एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुआ, कौन सा? हिलगार्ड। और एक रूसी वैज्ञानिक हुआ, कौन सा? गेद्रोइज। अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड और रूसी वैज्ञानिक गेद्रोइज ने लवणीय और क्षारीय मृदाओं के नाम दिए। क्या क्या नाम दिए? देखो, हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं का क्या कहा? व्हाइट एल्कली सोइल। अंग्रेजी में ही नाम आपको याद करना है। हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं क्या नाम दिया बेटा? व्हाइट एल्कली सोइल। जबकि हिलगार्ड ने क्षारीय मृदाओं को क्या नाम दिया? ब्लैक एल्कली सोइल। देखो व्हाइट की जगह क्या आ गया आपका? ब्लैक। तो लवणीय हिलगार्ड व्हाइट, क्षारीय हिलगार्ड ब्लैक, याद रहेगा। क्लियर? अब आता है किसका? गेद्रोइज का। गेद्रोइज ने लवणीय मृदा को क्या कहा? सोलन चाक सोयल। क्या नाम दिया? सोलन चाक सोयल। जबकि क्षारीय मृदाओं को क्या नाम दिया? सोलोनेट्स। क्या नाम दिया? सोलोनेट्स। ये तो होगी किसकी? दोनों मृदाओं की नाम की बात। किसके द्वारा दिए गए? अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड द्वारा और रूसी वैज्ञानिक गेद्रोइज के द्वारा। लवणीय मृदा के नाम हो गए व्हाइट एल्कली सोयल और सोलन चाक सोयल, जबकि क्षारीय मृदा के नाम हो गए ब्लैक एल्कली सोयल और सोलोनेट्स। क्लियर? अब इनकी क्या आती है? परिभाषा की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं बेटा? परिभाषा की बात करते हैं। अब परिभाषा किसके अनुसार होगी? देखो इधर, परिभाषा होगी तीन अपने पास में मुख्य गुण है। एक तो है ईसी। ईसी को बोलते अपन विद्युत चालकता। क्या बोलेंगे? विद्युत चालकता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसलिए इसका मान हो गया ईसी। और इसको जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है, डेसी सिमोस मीटर इनवर्स, किसमें मापते हैं, डेसी सिमोस मीटर इनवर्स, मतलब हो गया डेसी सिमेंस मीटर इनवर्स। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने किसी पात्र में क्या ले रखा है, मृदा विलयन ले रखा है, क्या ले रखा है, मृदा विलयन ले रखा है, ध्यान देना बेटा, क्या ले रखा है, मृदा विलयन ले रखा है। इसमें अपन ने क्या लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, क्या लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, राइट। इन इलेक्ट्रोड को अपन ने किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा। अब बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें क्या आ गई, विद्युत धारा, विद्युत धारा आने के बाद में इस वाले पे तो आपने पास में ये धनायन और ऋणायन किस पर है, मृदा में, तो ध्यान दो मृदा विलयन में कौन कौन है, धनायन भी है और ऋणायन भी है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड की सहायता से मृदा विलयन में क्या आती है, विद्युत धारा बहती है, क्या बहती है, विद्युत धारा, तो ये धनावेश और ऋणावेश आयन कहां जाते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, कहां जाते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर। तो ये धनायन तो कहां चला जाएगा, ऋणायन की ओर, ऋणायन कहां चला जाएगा, धनायन की ओर। इसी गमन को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत चालकता, क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। ध्यान से सुनो, जब किसी मृदा विलयन में, जब किसी मृदा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मृदा विलयन के आयन, तो मृदा विलयन के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता, क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। और इसका जो मापन किया जाता है वो किस मात्रक में किया जाता है, डेसी सीमेंस मीटर इनवर्स। और जो यंत्र का नाम है वो क्या है, चालकता मापी, क्या नाम है, चालकता मापी, या इसको अपन मीटर सेतु भी कह देते हैं, क्या नाम देते हैं, मीटर सेतु या चालकता मापी। क्लियर, तो ये किसकी बात होगी अपने पास में, ईसी। तो अपन जो परिभाषा देंगे वो किसके आधार पर देंगे, ईसी मतलब विद्युत चालकता, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसमें मापते हैं, डेसी सिमोंस मीटर इनवर्स में, किसके द्वारा, चालकता मापी या मीटर सेतु के द्वारा। कैसे मापते हैं, जब किसी मृदा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मृदा विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन उपस्थित विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, विद्युत चालकता कहा जाता है। क्लियर, अब दूसरा नाम है अपने पास में कौन सा, ईएसपी, कौन सा नाम है बेटा, ईएसपी। देखो इधर ईएसपी के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ईएसपी, ईएसपी का फुल फॉर्म है बेटा देखो, एक्सचेंजेबल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, क्या लिखा मैंने, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, हिंदी में कहेंगे विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, क्या कहेंगे, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। अब प्रतिशतता होगी तो इसका मात्रक किसमें आएगा, प्रतिशत में। अब देखो इधर ईएसपी की जो परिभाषा है वो कैसे बनेगी, यहां लिखेंगे विनिमयशील धनायन बटा कुल धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100, विनिमयशील धनायन बटा कुल धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100, इसको क्या कहा जाता है, ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता।
इसका मान 15 से कम या ज्यादा, ईसी का मान 4 से कम या ज्यादा, ईसी का मान किसमें आएगा, डेसी सिमोस मीटर इनवर्स। फिर आती है आपकी तीसरी पीएच के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, पीएच के आधार पर। अब पीएच के आधार पर जब अपन मापते हैं वो कैसे मापेंगे, पीएच क्या होती है, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित H प्लस आयन, विलयन में उपस्थित H प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक, विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो अब इन तीनों के मान के आधार पर, अब ये भी याद रखना है आपको कि इनका मान किस रेंज में है, तो ईसी का मान जो है वो किस रेंज में होगा बेटा, 4 डेसी सिमोस मीटर इनवर्स, ईएसपी का मान 15%, पीएच का मान 8.5। ये तीनों आपको मान ध्यान रखने हैं, ईसी का मान 4 डेसी सिमोस मीटर इनवर्स, ईएसपी का मान 15%, पीएच का मान 8.5। अब अपन परिभाषा देते हैं, ऐसी मृदा जिसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड आदि लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, इस मृदा की ईसी का मान 4 डेसी सिमोस मीटर इनवर्स से ज्यादा, ईसी का मान 4 डेसी सिमोस मीटर इनवर्स से ज्यादा, जबकि ईएसपी का मान 15% से कम और पीएच का मान 8.5 से कम हो, तो ऐसी मृदा क्या कहलाती है, लवणीय मृदा कहलाती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपकी क्षारीय मृदा, किसकी बात करेंगे अपन, क्षारीय मृदा, इसमें सोडियम क्लोराइड जैसे लवणों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें ईसी का मान क्या होता है, 4 से क्या होता है, कम होता है, ईसी का मान 4 डेसी सिमोस मीटर इनवर्स से कम होता है, ईएसपी का मान 15% से ज्यादा होता है, पीएच का मान 8.5 से ज्यादा होता है, ऐसी मृदा क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। अब देखो इधर आपको एक चीज बताता हूं मैं कि ये जो पीएच का मान है वो किस आधार पर है। देखिए बेटा पीएच आपको पता है कहां से कहां तक होती है, 0 से 7, 7 से 14, यहां तक की रेंज क्या होती है, अम्लीय, यहां तक की रेंज क्या होती है, क्षारीय, और यहां की रेंज क्या होती है, उदासीन। क्या होगी बेटा, उदासीन। क्लियर। अब देखो इधर लवणीय मृदा, लवणीय में क्या कह रहा है, 8.5 से कम, तो 7 से 8.5 के बीच में रहेगी, 7 से 8.5 के बीच में रहेगी। क्षारीय 8.5 से ज्यादा, तो 8.5 से कहां तक हो सकती है, 14 तक, कहां तक हो सकती है, 14 तक। ये होता है आपका पीएच का आधार। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, लवणीय क्षारीय मृदा दोनों मिक्स है इसमें, तो यहां पर ओनली किसका चेंज होगा, देखो ईसी का मान कौन सी मृदा के बराबर रहेगा, लवणीय मृदा के बराबर, ईसी का मान किसके बराबर रहेगा, लवणीय मृदा के बराबर, लवणीय में ईसी का मान 4 से ज्यादा, जबकि लवणीय क्षारीय में भी ईसी का मान 4 से ज्यादा, जबकि ईएसपी और पीएच का मान, ईएसपी और पीएच का मान किसके, क्षारीय मृदा, दोनों का है इसमें, लवणीय क्षारीय में दोनों के गुण है, तो ईसी का मान तो किसके समान हुआ, लवणीय के समान, और ईएसपी और पीएच का मान किसके समान हुआ, आपका क्षारीय मृदा के मान। देखो ईएसपी 15% से ज्यादा, पीएच का मान 8.5 से ज्यादा, ऐसी मृदा क्या कहलाएगी, आपकी लवणीय क्षारीय मृदा कहलाती है। क्लियर। तो ये अपने पास में कितने दो आधार थे, एक तो लिखा अपने रासायनिक दृष्टि वाला जिसमें लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदा, दूसरा अपने लिखा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अनुसार मृदा दो प्रकार की होती है, लवणीय और क्षारीय, उनमें भी ईसी ईएसपी और पीएच
के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इनके थोड़े से मान आपको हल्के फुल्के चेंज मिलेंगे, बाकी परिभाषा वही है, परंतु आपको यही परिभाषा एग्जाम में याद करनी है। एग्जाम की दृष्टि से यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नाम भी आपके इंपॉर्टेंट है, हिलगार्ड और गेद्रोइज ने क्या नाम दिए, किसके, लवणीय और क्षारीय मृदा के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिलगार्ड ने लवणीय को कहा व्हाइट अल्कली सोयल, क्षारीय मृदा को कहा ब्लैक अल्कली सोयल, गेद्रोइज ने लवणीय को कहा सोलन चाक सोयल और सारे को कहा सोलो फ्लैट्स। क्लियर। मान किसके, ईसी ईएसपी और पीएच, कितने कितने, ईसी का मान 4 डेसी सिमोंस मीटर इनवर्स से कम या ज्यादा, ईएसपी का मान 15% से कम या ज्यादा, पीएच का मान 8.5 से कम या ज्यादा। क्लियर। क्या होगी, लवणीय मृदा क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। क्लियर बेटा, ये आपका आज का टॉपिक लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण दो आधार से अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।